पिछले 3 दशकों से भारतीय चुनाव इतिहास में अपनी पार्टी राज्य और संसदीय क्षेत्र की आवाज बनने वाले कुछ प्रमुख चेहरे इस बार संसद में नजर नहीं आएंगे। इनमें प्रमुख है बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, हुकुमदेव नारायण यादव, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस के सदन में नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और उपनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के दिग्गजों को जहां इस बार टिकट नहीं दिया गया था, वहीं मोदी के मुखर आलोचक देवगौड़ा, खड़गे और सिंधिया चुनाव हार गए। 91 वर्षीय आडवाणी 1991 से गांधीनगर सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे। उन्होंने यहां से लगातार 5 बार जीत दर्ज की। अगर आडवाणी इस बार चुनाव लड़ते तो वे सबसे बुजुर्ग सांसद हो सकते थे। जेडीयू के रामसुंदर दास ने हाजीपुर से 2009 में 88 साल की उम्र में चुनाव जीता था और वे 93 की उम्र तक सांसद रहे। आडवाणी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 में रथ यात्रा निकालने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद भी संभाला था। आडवाणी के अलावा जोशी, महाजन, शांता कुमार, कलराज मिश्र, भगत सिंह कोश्यारी इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं। जोशी 2014 में कानपुर से चुनाव जीते थे। वहीं 1991 से 1993 के बीच बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने लोकसभा में इलाहाबाद और वाराणसी का भी प्रतिनिधित्व किया। वहीं 2014 में उन्हें कानपुर से टिकट दिया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सके। उन्होंने केंद्र में कई मंत्रालयों का कामकाज भी संभाला था। सुमित्रा महाजन की बात करें तो 16वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष थी और इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वर्ष 2014 में वो लोकसभा के लिए 8वीं बार चुनी गई और मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से 1990 से जीतती रही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कामकाज संभाला, साथ ही मानव संसाधन, संचार और पेट्रोलियम मंत्रालय का भी काम उन्हें दिया गया था। हुकुमदेव नारायण यादव 5 बार सांसद बने सोशलिस्ट नेता के साथ। उन्होंने अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता है और वो लोकसभा में पहली बार 1977 में पहुंचे थे। वे बिहार के मधुबनी का प्रतिनिधित्व करते थे और इस बार वो चुनाव नहीं लड़े हैं। देवगौड़ा पिछले 3 दशक से कर्नाटक की मुखर आवाज के रूप में संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, लेकिन इस बार तुमुकर से वो चुनाव हार गए। 1991 में हासन सीट से संसद पहुंचे थे और 16वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सदन के नेता खड़गे ने मनमोहन सिंह की सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वो गुलबर्ग सीट से बीजेपी उम्मीदवार उमेश जाधव से 95,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। कांग्रेस का युवा चेहरा रहे सिंधिया पहली बार चुनाव हारे हैं और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बहुत ही करीबी माना जाता है और वो मध्य प्रदेश के गुना सीट पर बीजेपी के कृष्णपाल यादव से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर अपनी परंपरागत सीट बिहार की कटिहार से शिवसेना नेता अनंत गीते और माकपा नेता मोहम्मद सलीम भी चुनाव हार गए। इस तरह से लोकसभा की तस्वीर कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है और 542 सांसदों में से 300 पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।